महामारी के चल रहे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब पे क्लासेस हमारे टीचर लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पे काफ़ी अच्छा काम किया। मैं खासकर एम एच रजा साहब ने अगर हमारी बात पर काफ़ी ध्यान दिया और उन्होंने हमारे काम को काफ़ी तरजीह दिया और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया और जिस सिस्टम के तहत आज काम चल रहा है। हम जी हमीद साहब के भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं। हम एम एच अनवर साहब के भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं। कमाल वारिस साहब जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने भी जहाँ वे हैं वहाँ से बैठकर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी इस एज में काफ़ी मेहनत किया और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा और ये इंस्टीट्यूट कैसे आगे बढ़े इसके बारे में सोचा। और ये जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें जिस तरह का क्लासेस अरेंज किया जा रहा है वैसा ही क्लासेस अरेंज किया जा रहा है जिसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है। कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जा रहे हैं जो हम जब उसका समीक्षा कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या किसी और देख कर, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वैसे क्लासेस कुछ आ जा रहे हैं जो पढ़ाई हो चुकी है, तो वैसा क्लासेस नहीं आना चाहिए अभी के सिस्टम में, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है हमारे पास और वैसा क्लासेस नहीं आना चाहिए जो पढ़ाई हो चुकी है। वैसे चीज़ पे हमको ध्यान देना है, अपने सिलेबस को सामने रखना है, सिलेबस पे बात करना है और वैसे चीज़ को ध्यान देना है जो हमको आगे पढ़ाना है और उससे बच्चे फायदा। अगर बच्चे का ग्रुप से कोई इन्फॉर्मेशन अगर एडमिन को आता है, जो उस ग्रुप के एडमिन हैं उनको अगर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है कि हाँ ये चीज़ को दोबारा रिपीट कर दिया जाए और दोबारा इसको पढ़ाया जाए, तो उस सिलेबस को हम उस कोर्स को हम लोग आगे देखेंगे, उस टॉपिक्स को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन वैसा टॉपिक्स हम अपने सारे टीचरों से कहते हैं कि वैसा टॉपिक्स ना पढ़ाया जाए जो टॉपिक्स पहले वो ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन या यूट्यूब से वैसे ही टॉपिक्स पढ़ाएं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है या एग्जामिनेशन जो बच्चे अभी देंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है या उनके इसके लिए ज़रूरी है। इसलिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पे वैसे ही कैसेट हमारे टीचर्स डालें जो बच्चों के लिए काफ़ी कारगर हो, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा पीरियड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लंबा वक्फा में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी हमको जो भी चीज़ है उसको खोलने के लिए बहुत लंबा इजाज़त नहीं दिया है और वैसे एरिया में ये अभी तक प्राइवेट संस्थान नहीं खुली हुई है। जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें प्राइवेट संस्थान को खोलने का इजाज़त नहीं दिया है, क्योंकि पटना जो है आज तक आपका रेड जोन में। वैसा एरिया जो कंटेनमेंट एरिया नहीं है उसमें हमारे डीएम साहब ने इजाज़त दिया है, लेकिन वो इजाज़त जो है वो मंडे है, ट्यूजडे है और फ्राइडे है, ये तीन ही दिन इजाज़त है जिसमें आप अपना ऑफिशियल काम कर सकते हैं, अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल अगर बनाना है या किसी तरह का कोई काम करना है तो तीन दिन आप काम कर सकते हैं, इससे आगे आप नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, उसी हिसाब से आप काम कीजिए अगर जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आप बताइए एमएच रजा सर, उसमें देख के कुछ टीचर्स ने ऐसा चीज अपलोड कर दिया है जो नहीं करना चाहता उनको, तो उसके लिए उनको पहले तो उनको टेलीफोनिक मैसेज दिया जाए और वैसा चीज की कराया जाए जो चीज को फिर करना है, आगे सिलेबस देख लिया जाए। चाहे बहुत सारी ऐसी चीज जो हो चुका है और वो टीचर ही बेहतर बता सकते हैं, बोले या बच्चे से भी कॉन्टेक्ट करना मुश्किल है। बच्चों से हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे का जो कॉन्टेक्ट का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। हम लोग अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं वो वैसे ही टॉपिक्स पढ़ाइए जो जो आप नहीं पढ़ाए हैं पहले। कुछ टॉपिक हुआ है, रिपीट हो गया है, उसको हो गया सो हो गया, आप लेकिन उसको आगे न किया जाए। मैं एक कैसेट देख रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था एम एच अनवर साहब का, एम एच अनवर साहब का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो हेमेटोलॉजी को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हेमेटोलॉजी, जहाँ तक मेरा अपना कहना है कि हेमेटोलॉजी, ये स्टार्टिंग जो हेमेटोलॉजी है वो काफ़ी दिन से चल रहा है, एंटीकोगुलेंट वगैरह काफ़ी दिन से चल रहा है, तो और हेमेटोलॉजी 50% खत्म हो चुका है। तो मैं एमएच रजा साहब से ये कहूँगा कि एमएच रजा साहब जैसे एरिथ्रोपोएसिस का पोर्शन है, लीकोपोएसिस का पोर्शन है, ये सब या थ्रोम्बोपोएसिस का पोर्शन है, जो भी डेवलपमेंट ऑफ सेल्स है, जितना भी डेवलपमेंट ऑफ सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
ये सब के बारे में बच्चों को बताएं, ये डेवलपमेंटल स्टेज बताएं, उनका कैरेक्टर बताएं, उनके बारे उस सेल्स के बारे में बताएं। तो ये तीन टॉपिक जो है एरिथ्रोपोएसिस, लिकोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस, ये तीनों टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लासेस में अपलोड करें। और जब तक इस क्लास ये जब तक ये मैचुरेशन साइकिल्स मैचुरेशन चार्ट जब तक के अपलोड नहीं होगा, जब तक नहीं अपलोड होगा तब तक आप किसी भी लड़कों को लिक्यूमिया के बारे में नहीं बता सकते हैं, एनीमिया के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एनीमिया और लिक्यूमिया मैचुरेशन चार्ट से बिल्कुल को रिलेटेड चैप्टर। सेल का डेवलपमेंट आप खुद जानते हैं, सेल का डेवलपमेंट जहां से शुरू हो रहा है और जहां पर सेल फाइनल स्टेज में बन रहा है, उस बीच का जितना भी इमैच्योर सेल्स है, वो इमैच्योर सेल्स ही लिक्यूमिया और एनीमिया में सर्कुलेट करता है पेरिफेरल ब्लड। तो आप उस चीज को तभी पढ़ा सकते हैं जब आप उसका डेवलपमेंट पढ़ाइए। तो मैं एमएच राजा साहब के लिए मैं खास ये कहना चाह रहा हूँ कि एमएच राजा साहब जो है किसी भी तरह से एरिथ्रोपोएसिस, लिकोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस को अपलोड करें, उसके बाद लिक्यूमिया और एनीमिया को अपलोड करें, तब जाकर एक हेमेटोलॉजी का कुछ पोर्शन जो है कंप्लीट होगा। और उसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग जितना भी मैकेनिज्म है, ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, जो फैक्टर्स है ब्लड क्लॉटिंग का, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, थ्रोम्बिन टाइम है, फिब्रिनोजेन है, ये सब टाइप का जितना भी है, या बहुत सारा डिजीज है जैसे वॉन विलिब्रांड्स डिजीज है उसके बारे में आपको बताना है, या बहुत सारा फैक्टर्स है, फैक्टर 8 है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स है उसके बारे में बताना है, ब्लीडिंग टाइम के बारे में बताना है, क्लॉटिंग टाइम के बारे में बताना है। तो ये सब एक ऐसा चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आप जब तक के नहीं पढ़ाइएगा, जब तक के नहीं अपलोड कीजिएगा, आगे का पोर्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा, बच्चे का लिंक एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि पैथोलॉजी का जो ये चैप्टर है, ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, इंटरलिंक चैप्टर, इसलिए इसको आप हर हालत में पहले अपलोड करें। आपसे खास गुजारिश है पहले अपलोड करें, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं, और तब जाकर एनीमिया और लिक्यूमिया को पढ़ाएं, यहाँ तक ब्लड क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है उसको बताएं, और तब जाकर आप लगेगा कि हाँ हेमेटोलॉजी का कुछ पोर्शन जो है वो कम्प्लीट हो। क्या कहना है हमीद साहब, बताइए। लाइन ऐसी चीज है जिसमें हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जी, जब तक जो भी फिजियोलॉजी ली जाए वही लीजिए, और भी तो अगर ये सब इससे क्या होगा कि इंटर कनेक्टेड रहता है, जो आगे चल के एक कंसेप्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल। सही बात, हम ये कह रहे थे जी हमीद साहब कि आप एनाटॉमी का क्लास ले रहे हैं, हम काफी शुक्रगुजार हैं आपके कि आप एनाटॉमी का क्लास ले रहे हैं, और अगर फिजियोलॉजी का भी क्लास ले रहे हैं, दोनों क्लासेस ले रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का भी क्लासेस ले रहे हैं, और आप इस इंस्टीट्यूट में के गेस्ट फैकल्टी तो हम नहीं मानते हैं आपको, क्योंकि आप इस इंस्टीट्यूट में एक परमानेंट फैकल्टी के तौर पर काम आपने किया है, और मैं ये समझता हूँ कि आप एक अच्छे फैकल्टी मेम्बर्स हैं, और पूरे इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं सब यही कहते हैं कि जेहली साहब एक अच्छे फैकल्टी मेम्बर हैं, और आपने फिजियोलॉजी स्टार्ट किया, और मैं आपका क्लास का जब मॉनिटरिंग कर रहा था तो मैंने यही देखा कि आपने वैसा ही क्लास अरेंज किया है जो क्लासेस आपने नहीं पढ़ाया, जय वैसा ही क्लास अरेंज किया है जो आपने नहीं पढ़ाया। तो इस बात से हम काफी आपके आपसे मुतासिर हैं कि आपने वैसे क्लासेस को अरेंज किया, और वैसे क्लासेस अरेंज करके आपने बच्चों को इस मैसेज दिया कि वैसा क्लासेस आप हम करा रहे हैं जो हमने नहीं पढ़ाया। हमारे लिए भी आसानी है, हमारे मैनेजमेंट के लिए भी आसानी है कि हम आप चूंकि आप अभी हमारे परमानेंट मेंबर्स में से नहीं हैं, हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं, तो हमें भी बहुत आसानी होगा कि वैसा सिलेबस जो आप कंप्लीट कर रहे हैं अभी, तो बाद में हमको वो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि यूट्यूब पर वो चैनल ऑटोमेटिक ये, और आप ये समझ लीजिए कि आजकल हमारा यूट्यूब का जो चैनल है मेडिकल साइंस विद एमएच रजा, वो इतना मशहूर हो रहा है, कि मैं खोलता हूँ जब YouTube अपने टीवी पे तो पूरा चैनल ही आने लगता है। इसका मतलब कि YouTube के अलावा Google पे भी आ रहा है, तो ये एमएच राजा साहब की काफी मेहरबानी है कि एमएच राजा साहब ने इस पर काफी मेहनत किया, हम उनके बार बार शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने काफी मेहनत से इस काम को किया। तो हम आपसे भी इल्तजा करेंगे कि आप वैसे टॉपिक्स को डालिए जो आपने नहीं पढ़ाया, और वो आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वैसे ही टॉपिक्स को डालिए जो आपने नहीं पढ़ाया है।
जैसे और क्या कहते हैं, और हम समझते हैं कि आप इसको रेगुलर क्लासेस बना लीजिए, क्या कहते हैं, कम से कम जो 3 दिन हमको गवर्नमेंट ने दिया है, क्या कहते हैं ऑर्डर, उस गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से हम लोग कम से कम 3 दिन ऑफिस खोल रहे हैं, तो 3 दिन हम लोग इस काम को करें, तो 3 दिन करके कहते हैं बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट करें। क्योंकि आपने एक चिट्ठी देखा है, कहते हैं कि एक चिट्ठी जो है वो कहते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से हमारा इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है, आपको पहले भी पता है कि एमएम रहमानी पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का ये एक कहते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और पूरे बिहार में इस इंस्टीट्यूट का अपना एक मुकाम, एमएम रहमानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मौलाना मिन्नतुल्ला रहमानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का अपने पूरे बिहार में एक अपना मुकाम है। हमारा इंस्टीट्यूट एक ग्रेजुएशन लेवल पे इंस्टीट्यूट है और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आज इससे पहले जो हमारा इंस्टीट्यूट था वो मगध यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज था। 2013 से ही हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स चला रहे हैं, 2013 से इस काम को कर रहे हैं, और जब 17-18 के बाद बाइफर्केशन हुआ और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बनी, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी हम लोग गए काम करने के लिए, लेकिन पाटलिपुत्रा से फिर हम लोगों के कुछ कानूनी तौर पे अड़चन आया जिसके वजह कर हम लोग आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में चले गए, और आर्यभट्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को लगा कि वाकई बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बिहार गवर्नमेंट ने कायम किया जो पिछले 10 साल से ऊपर से चल रहा है, और उसी से हमारा इंस्टीट्यूट मुंसलिक है, उसी से हमारा इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है। ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हमारा इंस्टीट्यूट उससे जुड़ा हुआ है और उसी के गाइडलाइन पे हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो उस गाइडलाइन के दौरान जो है टाइम टू टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन ईमेल आता रहता है, और अब ज्यादा ही आने लगा है कि हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का या यूट्यूब चैनल क्लासेस का वीकली रिपोर्ट करना है यूनिवर्सिटी के मेल पे, जो हम लोगों ने 2 बार क्या कहते हैं रजा साहेब और हमीद साहब ने 2 बार उसको अपलोड किया, क्या कहते हैं दोनों को यूनिवर्सिटी के ईमेल पे अपलोड किया गया, और 2 बार इस काम को हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अब इस काम को हम लोगों को 2 बार और 3 बार की बात नहीं, बात यह है कि हमको उसको वीकली रिपोर्ट करना है, हर मंडे को रिपोर्ट भेज देना, मंडे को 6 बजे से पहले एक रिपोर्ट हम चली जानी है, क्योंकि उसी रिपोर्ट के आधार पे वो ये देखेंगे कि हमारे किस बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन से बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किसका जो है हमको ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना फॉर्म भरवाना है, क्योंकि वहाँ का सब काम ऑनलाइन, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा सकते हैं, तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाना है तो भरवा सकते हैं इस बीच में ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, जिससे हमारा कुछ वक्त बचेगा, यूनिवर्सिटी का भी कुछ वक्त बचेगा, और उसके बाद एग्जामिनेशन अगर 2-3 महीने के बाद होती है तो एग्जामिनेशन हो गए बच्चों के, अगर सिलेबस कंप्लीट रहता है तो ये हर वीकली हमसे वो समीक्षा कर वीकली हमसे रिपोर्ट लेंगे और वीकली इस काम को करेंगे। तो हम भी अपने सारे टीचरों से, जितने भी टीचर हमसे जुड़े हुए हैं, कि हमीद साहब जुड़े हुए हैं, रजा साहब जुड़े हुए हैं, मुबशिर अनवर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कमाल वारिस साहब जुड़े हुए हैं, ये कुछ लोग टीचर्स हमारे जुड़े हुए हैं, और जो टीचर्स हमारे इस काम से नहीं जुड़े हुए हैं उन टीचरों को मैं खास कर बोलना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर फुजैल साहब से मैंने बार बार टेलीफोनिक टॉक किया, डॉक्टर तारिक साहब से मैंने बार बार टेलीफोनिक टॉक किया, लेकिन फुजैल साहब से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो कम से कम 2 दिन हफ्ते में आए और अपना कुछ वीडियो अपलोड करें। तारिक साहब एक ऐसे जोन में रह रहे हैं जो कंटेनमेंट एरिया है, इस बात को मैं समझता हूँ, राजा बाजार का एरिया बिल्कुल ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसको आप कहें प्रतिबंधित क्षेत्र है, कंटेनमेंट एरिया है वो, जिससे उनको निकलना एक मुश्किल काम है, लेकिन मैंने उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया है कि फिर भी आप इस पोजीशन में इंस्टीट्यूट के इससे अगर इस काम को आप कीजिए, अगर तय करके एक आध 2 वीडियो भी हमको कम से कम अपलोड कराइए। बोलिए हम सर। जब सही कह रहे हैं सर, वो काफी देखिए ये हमीद साहब भी बोल रहे हैं और हसीब साहब भी बोल रहे हैं कि वो काफी सीनियर टीचर्स हैं और बहुत लाइव टीचर हैं हमारे स्टूडेंट के, उनकी कमी बार बार ये हमीद साहब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के कन्वेनर वही है। ये जो प्रोग्राम हम लोग ने अभी हमने तो एक प्रोग्राम बनाया, अपने जहन में एक प्रोग्राम बनाया और सब लोगों को सर्कुलेट किया, लेकिन प्रोग्राम के कन्वेनर एमएच रजा साहब हैं, एमएच रजा साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसमें नहीं जुड़े हुए हैं उनको टाइम टू टाइम जोड़कर इतना वीडियो अपलोड कर दें कि बच्चे के लिए वो सफिशियंट वीडियो हो जाए, और यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को भी पूरा किया जाए, और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं
जो हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं मौलाना सोहेल अहमद नकवी साहब हैं, जनाब शिबली कासमी साहब हैं जो नाजिम इमारत शरिया हैं, दोनों हमारा वीडियो टाइम टू टाइम मैं बराबर उनको अपलोड करता हूं, बराबर उनके व्हाट्सएप पे भेजता हूं और बराबर वो देखते हैं और कुछ ना कुछ उस पर कमेंट्स लिखते हैं और वो कमेंट्स बेहतर कमेंट्स लिखते हैं और बेहतर गाइडलाइन भी देते हैं हमें कि आप ये काम अच्छा कर रहे हैं और इस काम को लगातार करते रहिए और करते रहिए। बच्चों के लिए आप अच्छी पहल आपने किया है, बच्चों के लिए अच्छी सोच रखा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कल भी हमसे बात की, उनकी उन्होंने कहा ये बात, तो सब लोग लगे हुए हैं। तो एम एच रजा साहब अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करें, क्या कहते हैं कि इस काम में किसी तरह से आप जुड़िए और जुड़कर जहां है वहां से भी आप कर सकते हैं। गोविंद जी से बहुत अच्छा किया आपने। गोविंद जी के बारे में एम एच रजा साहब देखिए बता रहे हैं, गोविंद जी के बारे में बता रहे हैं कि गोविंद जी जहाँ थे वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं गोविंद जी, और समस्तीपुर में बहुत दिन तक ग्रीन जोन रहा और पता भी नहीं चला कि समस्तीपुर में अगर कहें किसी तरह का कोई कोविड-19 का महामारी है। लेकिन अब धीरे धीरे जब हमारे मजदूर भाई अगर कहें ट्रेन से सफर करके आ रहे हैं, गाड़ी से सफर करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बीमारी साथ में लेकर आ रहे हैं, तो वो उसी एरिया के कुछ इस एरिया के जो लोग हैं वहां जा रहे हैं और वहां जाने के बाद जो है कुछ ना कुछ ये बीमारी फैल जा रही है। तो अब आपका समस्तीपुर का एरिया भी ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में नहीं है, उसके बावजूद भी ये ना कहते हैं गोविंद साहब ने अपनी मेहनत करके वहां से वो कैसेट बनाते हैं और एम एच रजा साहब को भेज देते हैं और एम एच रजा साहब उसमें जिस तरह का काम करना है वो कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, करने के बाद उस वीडियो को अपलोड करते हैं, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। कमाल साहब भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अच्छा काम क्या करिए, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को करें, वो उनकी जिम्मेदारी है और वो पूरी जिम्मेदारी से इस काम को कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे, पूरी जिम्मेदारी से कर रहे। तो हम सभी टीचरों से एम एच रजा साहब ये बोल दीजिए आप कि अपने सबके पास सिलेबस है, सिलेबस को देख लें और सिलेबस को देखने के बाद सिलेबस को पूरी तरह देखने के बाद सिलेबस के अनुसार पढ़ाएं, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि जो काम आपने संचालित किया, हमें भी ऐसा लगेगा कि जिस काम के संचालक हम हैं, क्या कहते हैं, उस काम को वो काम अच्छा हो रहा है। और कोई भी काम जो होता है हमीद साहब, उसका एक मकसद होता है, कोई भी काम जो होता है तो उसका एक मकसद है कि हाँ इस मकसद तक हमको पहुंचना है, क्या कहते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो सब लोगों का कोऑपरेशन रहेगा, मेडिकल साइंस के बारे में आपको मालूम है कि जब तक सब लोग कोऑपरेट ना करें मेडिकल साइंस के में तो आगे काम बढ़ता नहीं, ये बिल्कुल कोऑपरेशन का साइंस है, जब तक सब लोग मिल जाते हैं सब काम आसान हो जाता है। कोई ऑपरेशन चलता है एक आदमी कर नहीं सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ है आज के दौर में, पैरामेडिकल जितना भी है वो इतना इंपॉर्टेंट स्टाफ है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हम समझते हैं कोविड-19 में, कि कोविड-19 में सबसे इंपॉर्टेंट काम कलेक्शंस होता है और ये पैरामेडिकल्स के स्टाफ ही कर सकते हैं, डॉक्टर्स तो कलेक्शन करते नहीं, तो कलेक्शन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को आप समझ सकते हैं, और कलेक्शन के द्वारा ही आपको बीमारी लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि पैरामेडिकल स्टाफ किसी भी साइंस का, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहा जाता है हमारे जिस्म में, स्पाइनल कॉर्ड में अगर हल्का सा दर्द भी हो जाता है तो जिस्म सही ढंग से नहीं मूव कर पाता, अगर कोई बड़ी बीमारी लग गई तो फिर आप बेड पर ही पड़ जाते हैं, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ के जितने भी लोग काम कर रहे हैं। और आज आप दुनिया में देखिए कि पैरामेडिकल स्टाफ से कितना चर्चा चल रहा है, कितना रिस्क लेके अपना काम कर रहे हैं, कितना मेहनत से कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि फलाने आदमी को कोरोना हो सकता है, फलाने आदमी को कोरोना नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका भी सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनका भी सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, हाई रिस्क काम है। सही बात है, लोग काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बहुत लोगों की बहुत से तारीफ भी आ रही है, बाहर के मुल्कों से भी तारीफ आ रही है, क्या कहते हैं, काफी अच्छा काम हो रहा है, क्या कहते हैं, नया काम का शुरुआत हुआ है, अच्छा काम हो रहा है। शुरुआत तो कोविड-19 की वजह से हुआ, लेकिन ये काफी फायदा महसूस होगा आगे देखने में आएगा कि हमारे जो आने वाले बच्चे भी उनको ही बहुत फायदा होगा। देखिए ये काम के संचालक जरूर हम रहे, लेकिन संचालित करने का काम एम एच रजा साहब ने किया,
और एम एच राजा साहब से इस काम को करने के दौरान हमसे काफी बहस भी डेफिनेटली अगर कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स काफी रहता है, इसलिए कि प्रॉब्लम्स इतना रहता है ना कि आप कैसेट कहाँ से, आप जो है कैमरा कहाँ से लाइएगा, आप माइक कहाँ से अरेंज कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह की बीमारी कभी आई नहीं और लॉकडाउन हम लोग कभी हुए नहीं अपने पूरे लाइफ में, कभी इस इतने उम्र तक हम लोग कभी लॉकडाउन हुए नहीं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये भी एक मुसीबत हम लोगों के पास आएगी, लेकिन आया तो उसको हम लोग फेस कर रहे हैं। क्या कहते हैं, बीमारी से हमको लड़ना है, डरना नहीं, ये बात तो हमेशा बोला जा रहा है ना कि बीमारी से लड़ना। और आप कल जो भाषण हुआ हमारे महामहिम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी प्रधानमंत्री साहब ने ये बात बिल्कुल वाजे तौर पे कह रखा है कि बीमारी के साथ आपको चलना है, बीमारी से घबराना नहीं है। उन्होंने साफ जुमला में इस्तेमाल किया है कि बीमारी के साथ चलना है, बीमारी से घबराना नहीं है। बीमारी के जो फराइज हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये आपका सैनिटाइजर, ये सब जो है, ये सब का इस्तेमाल करते हुए बीमारी के साथ आपको चलना है। तो सब लोग यही बात बोल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री भी यही बात कल भाषण में बोल रहे थे, तो उसी के हिसाब से हमको बीमारी से लड़ना है, डरना नहीं है। क्या कहते हैं, ये आप शुरू से ही बात मैं बोलता आ रहा हूँ, काफी दिन से ये बात हम लोगों को बोलते आ रहे हैं। क्या कहते हैं, लॉकडाउन का पालन जरूर करना है, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन का पालन नहीं करना, लॉकडाउन का पालन करना है। जितने भी धर्म स्थल हैं हमारे, वो ये या तो मंदिर हो या मस्जिद हो। अभी आप जान रहे हैं कि रमजान का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल चल रहा है मुस्लिम्स के लिए रमजान कितना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये सब मुस्लिम जानते हैं, लेकिन सरकार का पालन कर रहे हैं, भारत सरकार के हुक्म को मान रहे हैं, कोई आदमी मस्जिद में नहीं जा रहा है, कोई आदमी तरावी नहीं पढ़ रहा है, कोई आदमी जमात के साथ कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये सब काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग पे सब काम हो रहा है, बिल्कुल ये सब काम, जितना भी धर्म स्थल है वो सब बिल्कुल लॉकडाउन, ये अच्छी बात है। क्या कहते हैं, ये सरकार का पहल है, इससे बीमारी काफी कम हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा डेथ हो गया, बहुत ज्यादा डेथ नहीं हुआ है हमारे देश में, हमारे देश में जो डेथ का रेशियो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ये हो सकता है, लेकिन डेथ का रेशियो बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बीमारी से घबराना नहीं है। बहुत सारी बीमारी को हम साथ लेके चल रहे थे, एक ये भी COVID-19 बीमारी है जिसको साथ लेके चलेंगे, लेकिन उसके जो चीज है उसको मेंटेन करते हुए हम लोग इस काम को करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग किसी भी तरह के किसी भी वबा में नहीं फंसने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होने वाला है। अल्लाह जब हम लोगों के साथ है तो किसी भी तरह का कोई परेशानी हम लोगों को